से पहले मैं आपको अपने बालों का कलर दिखा देती हूँ। मेरे जो बालों का कलर है नेचुरल लुकिंग कलर है, जो कि नॉर्मल हेयर का होता है। प्लस आप देख सकते हैं बहुत शाइनिंग आ रही है मेरे बालों में। लुक एट दिस, एंड एक नेचुरल कलर इसमें ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स, इट्स मी प्राक्षी एंड यू वॉचिंग प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप्स हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मोस्ट एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं दी सफ़ेद बालों का इलाज बताओ, कैसे सफ़ेद बालों को कवर करें, कोई अच्छा सा हेयर पैक बताओ जिससे सफ़ेद बाल भी कवर हो जाए प्लस हमारे बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाए। फ्रेंड्स, ये ऐसी होम रेमेडी है जिसको मैं 10th क्लास से यूज़ करती आ रही हूँ। यस, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं इस सेम होम रेमेडी की 3 वीडियो अपलोडेड है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी होम रेमेडी, कौन सा हेयर पैक आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 वीडियो अपलोडेड है, इट मींस कि इसको पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, तभी मैंने 3 बार इसको अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क, जिससे आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा। अगर आपके सर में, स्काल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो कम होगी, प्लस हेयर ग्रोथ फटाफट होगी। यस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेहंदी हेयर मास्क। बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ हम ये वाला हेयर मास्क बनाने वाले हैं, हीना बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि दी जब भी मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आप ये हेयर मास्क अपने बालों में लगाएंगे, इससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे बल्कि आपके बालों में इस टाइप की शाइनिंग आ जाएगी, और जो भी वाइट हेयर होंगे वो नेचुरल लुकिंग कलर में और नेचुरल लुकिंग शाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले देखते हैं कैसे मैजिकल मेहंदी हेयर मास्क बनाना है बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्राक्षी मित्ता, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ क्विक अपडेट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्विक होम रेमेडीज ऐसी होती है जो मैं डायरेक्ट इंस्टा पर अपलोड करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है होम रेमेडीज को देखने के लिए तो आप इंस्टा पर शॉर्ट वीडियोज भी देख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, मेहंदी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ही मेन होता है। अगर आपका मेहंदी का पेस्ट अच्छा होगा तभी आपके बालों में शाइनिंग आएगी और एक अच्छा रंग भी आएगा। तो मेहंदी बनाने के लिए, मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एलोवेरा। यस, ये जो एलोवेरा की पत्तियाँ आप देख रहे हैं, एलोवेरा लीव्स जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ताज़ी है, सुबह सुबह खेत से आई है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था बाहर से, फिर उसको पीसेस में कट कर लिया था। पीसेस में कट करने के बाद आप बीच में से इसको काट दीजिए और इसमें जो भी एलोवेरा जेल प्रेजेंट है ना आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल निकालना है। इसको निकालने में थोड़ी मेहनत लग सकती है, अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो आप मार्केट का बना हुआ एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, पर जो ताज़ा एलोवेरा जेल आपके बालों में काम करेगा मार्केट वाला इतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो देखिए, सारा एलोवेरा जेल एक बाउल में निकल चुका है। अभी इसका हमें स्मूथ पेस्ट टाइप बना लेना है, तो ग्राइंड कर ले रही हूँ मैं इसको। नेक्स्ट मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। यस, लोहे की जो कढ़ाई होती है, अगर आप उसमें मेहंदी भिगोते हो तो मेहंदी का जो रंग है बहुत ही अच्छा आता है और आपके बालों पर भी बहुत अच्छा लगता है। आप नॉर्मल बाउल की जगह लोहे की कढ़ाई में कभी मेहंदी भिगोकर देखना, बहुत ही अच्छा रंग आएगा। देखिए, लोहे की कढ़ाई में मैं अभी ऐड कर रही हूँ हर्बल मेहंदी। यहाँ पर मैंने पतंजलि की हर्बल मेहंदी ली है, आप कोई भी ब्रांड की मेहंदी ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी का 10 रुपये वाला मैंने शैशे लिया है, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इस पाउडर में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मेहंदी मैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग भिगो रही हूँ। अगर आपकी हेयर लेंथ छोटी है तो आप मेहंदी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है एलोवेरा जेल। नेक्स्ट उसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही इसलिए ऐड कर रहे हैं ना क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दी मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ और मेरे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर आप दही डालोगे ना तो आपके बाल कभी भी ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि दही एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करती है। तो थोड़ा सा दही डाली है मैंने इसमें और इसका स्मूथ पेस्ट बना ले रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको इसमें धीरे धीरे करके ऐड करना है और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरीके से मेहंदी पेस्ट तैयार हो गया है। मेहंदी हेयर मास्क को आप कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखें। जैसे कि अगर आपको आज मेहंदी लगानी है, अगर आप कल रात उसको भिगोएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको 12 घंटे मिल जाते हैं फूलने के लिए। तो मेहंदी पेस्ट को मैंने 12 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था। फ्रेंड्स देखिए लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगोने के बाद मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेहंदी का जो रंग है आपके बालों पे बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा। नेक्स्ट डे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सी कंडीशनिंग और चाहिए अपने बालों में, इसलिए यहाँ पर मैं एग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे तो आपके जो सफ़ेद बाल हैं ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे जड़ से। आई लव मेहंदी, सच में मुझे उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, और इतने सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद जो मेहंदी का कलर आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं अपने पूरे बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लेती हूँ और आपको बता रही हूँ कि कैसे मेहंदी को आपको अपने बालों में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स मेहंदी का जो रंग है कितना प्यारा आया है। चलिए फटाफट से इसे अपने बालों में अप्लाई करते हैं। मेहंदी अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, फिर बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और जड़ से लेके टिप्स तक मेहंदी को अप्लाई करना है। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि मैं हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ब्रश से लगाना इतना कम्फर्टेबल नहीं लगता मुझे। हाथ से ही मैं यहाँ पर अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। जड़ से लेके टिप्स तक आपको अच्छे से मेहंदी पेस्ट को अपने बालों में लगा लेना है और सर पर जूड़ा बनाते हुए जाना है। सेम प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आपके बालों में मेहंदी ना लग जाए। अगर आप इस प्रोसेस से मेहंदी लगाते हो तो आपका जो जूड़ा है गिरता नहीं है और बहुत अच्छे से मेहंदी आपके बालों में लग जाती है। देखिए फ्रेंड्स मेरे बालों में जो मेहंदी है बहुत अच्छे से लग चुकी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लस आपके हेयर के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स मेहंदी लगाने के बाद आपको उसको कम से कम 1 घंटे तक अपने बालों में एज इट इज़ छोड़ देना है। उसको कम्प्लीटली ड्राई कभी मत करना, क्योंकि जब आप कम्प्लीटली ड्राई कर देते हैं वो उससे क्या होता है मेहंदी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 घंटे आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पॉलिथीन आप अपने सर में पहन सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल हेयर वॉश करना है आपको पानी से। यस, आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी से आपको मेहंदी जो भी आपके सर में लगी है उसको निकाल लेना है। फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल वाटर से मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था एंड मेरे बालों में जो भी मेहंदी थी वो अच्छे से निकल चुकी है एंड बिल्कुल भी आपको मेरे बालों में मेहंदी नहीं दिखाई देगी। अब मैं अपने बालों को टॉवल ड्राई कर रही हूँ, जो भी एक्सेस वाटर है उसको टॉवल की हेल्प से रिमूव करके उनको एयर ड्राई कर लूँगी। हेयर वॉश करने के बाद आपको अपने बालों में चंपी करनी है। जब आपके बाल सूख जाए अच्छे से आपको अपने जड़ों में, पूरे बालों में और हेयर टिप्स तक चंपी करनी है, क्योंकि मेहंदी का रंग तभी ज़्यादा चढ़ता है जब आप तेल लगाते हो। तो कभी भी आपको डायरेक्टली शैम्पू से सर नहीं धोना है मेहंदी लगाने के बाद। पहले नॉर्मल हेयर वॉश कर लीजिए, उसके बाद तेल लगा लीजिए, देन नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना है विद योर फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर। फ्रेंड्स मेहंदी हेयर मास्क का रिजल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, लुक एट माई हेयर। तो महीने में एक बार आप मेहंदी लगा सकते हैं। मैं 2 महीने में एक बार मेहंदी अप्लाई करती हूँ। इसने मेरे ग्रे हेयर को तो नेचुरल लुकिंग कलर में कन्वर्ट किया ही है, साथ ही मेरे हेयर के टेक्सचर को भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। लुक एट दिस। आपको इस हेयर मास्क का रिजल्ट कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो हेयर ग्रोथ करना फटाफट से, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर हेयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, स्टे सेफ।